नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप रोजगार से जुड़े टॉप 5 डेली न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चले जानते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय DSRRAU ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए मांगे आवेदन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय DSRRAU ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों के 450 रिक्तियों के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास आयुर्वेद में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं इन पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा 20 से 40 साल तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 जनवरी से पहले आधिकारिक वेबसाइट www.dsrrau.info पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में 1 से 12वीं तक के सिलेबस में जोड़े जाएंगे नए अध्याय। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के सिलेबस में नए अध्याय को शामिल किया जाना है। इतना ही नहीं, जल्द ही कुछ अध्यायों को भी बदला जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अब कक्षा 1 से 8 तक में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। बिहार में कक्षा 1 से 12वीं तक के सिलेबस में नए आयाम जोड़ने के लिए हाल ही में गठित 6 समितियों ने काम शुरू कर दिया है। यह समितियां नई शिक्षा नीति के तहत विशेष रूप से पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रशिक्षण में संशोधन, स्थानीय भाषाओं के विकास, कला और संस्कृति की गतिविधियों और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने का सुझाव पेश करेंगी। बोधि वृक्ष की जांच के लिए पहुंचे साइंटिस्ट। गया के बोधि वृक्ष की उम्र बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर साइंटिस्ट भी अब गया पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ये वही जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको बता दें, बोधि वृक्ष सही सलामत रहे इसके लिए देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट पेड़ का इलाज करने आते हैं। हर साल इस पेड़ पर 5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। बोध गया प्रबंधक समिति ने पेड़ के इलाज के लिए इंस्टीट्यूट से अग्रीमेंट किया है। इसके देखभाल के लिए अब तक BTMC ने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। वैशाली के बावन पोखर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बावन पोखर के उत्तरी छोर पर बना है पालकालीन बावन पोखर मंदिर। इसमें हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है। साथ ही इस पोखर पर छोटा जलाशय के बीच में एक जैन मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर में स्थापित भगवान महावीर की मूर्ति इसी पोखर में खुदाई के दौरान निकली थी। साथ ही बावन पोखर मंदिर में रखी गई हिंदू देवी देवताओं की कई तस्वीरें भी इस पोखर की खुदाई के दौरान बरामद हुई थी। बिहार में स्ट्रीट वेंडर्स की चमकेगी अब किस्मत। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कुछ समय पहले सड़क किनारे दुकान लगाकर रोजगार से जुड़े लोगों की मदद के लिए किया था, जिसके बाद इस योजना के तहत अब बिहार के भी स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी वालों की किस्मत खुलने वाली है। इस योजना के तहत ठेले खोमचे वाले 10,000 रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। 17वें स्ट्रीट वेंडर्स दिवस में भाग लेने पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि वो हाल ही में पीएम मोदी से मिलने गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें कहा था कि स्वनिधि योजना का पहुंचाने के लिए वेंडर जोन बनाकर बैंक से दिलाया जाए, जिससे कि स्ट्रीट वेंडर्स को एक स्थायित्व प्रदान किया जा सके। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र जल्द ही जा सकते हैं स्कूल। 9 से 12 तक के छात्रों के बाद अब 1 से 8 तक के छात्र भी स्कूल जा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने हाल ही में मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान बताया है कि इस महीने के अंत तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल खोले जाने का सरकार फैसला कभी भी ले सकती है। इसको लेकर 25 जनवरी तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है। उन्होंने आगे कहा है कि 4 जनवरी से क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें 50% में 30% बच्चों की उपस्थिति देखी जा रही है। ऐसे में अब उसी पैटर्न पर क्लास 1 से 8 तक के बच्चों की भी पढ़ाई शुरू हो, इस पर जल्द फैसला होगा। बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 209 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,59,281 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 105 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में 10 तो वहीं वैशाली में 16 मामले सामने आए हैं। गुरुवार के बाद बिहार में ठंड और ज्यादा बढ़ा सकती है परेशानी।
बीते दिन समूचे बिहार में सामान्य कोहरे की स्थिति देखने को मिली। हालांकि दोपहर होते होते ठंड से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अब ठंड से लोगों को राहत मिलने वाली है, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो गुरुवार के बाद एक बार फिर से ठंड जोर पकड़ सकती है। दरअसल बिहार में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है। फिलहाल पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम ही दर्ज किया गया है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब पहुंच गया है। बिहार में अब कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना हुआ अनिवार्य। सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन जारी करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने फिलहाल कुल मिलाकर 17 एजेंडों पर सहमति दे दी है। सामान्य प्रशासन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का निर्णय भी लिया गया है, जिसको लेकर संजय कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति अब स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही की जाएगी। पटना के विजय नगर में दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी का उद्घाटन। एम्स के डॉक्टर प्रभात रंजन ने बताया जेनरिक दवा के फायदे। राजधानी पटना के विजयनगर में दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी का उद्घाटन किया गया, जिसमें एमएलसी समीर कुमार सिंह और एम्स दिल्ली के डॉक्टर प्रभात रंजन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्टोर के मालिक संजय कुमार सिन्हा और अरुण कुमार ने बताया कि उनके स्टोर में लगभग सभी बीमारियों की दवा सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। इस अवसर पर दिल्ली एम्स के डॉक्टर प्रभात रंजन ने बताया कि जेनरिक दवा वही असर करती है जो बाकी तरह की दवाइयां करती है, बस अंतर यही है कि यह कम कीमत पर उपलब्ध होती है और गरीब लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में एनसीसी कोर्स के रूप में हो सकता है शामिल। एनसीसी निदेशालय के प्रस्ताव पर राजभवन गंभीरता से विचार कर रहा है। दरअसल हाल ही में एनसीसी निदेशालय ने अपना प्रस्ताव पेश करते हुए बिहार के विश्वविद्यालयों में एनसीसी को एक कोर्स के रूप में शामिल करने की मांग की है। इतना ही नहीं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS में बतौर एनसीसी को इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स के रूप में सम्मिलित करने का विचार करने के लिए एक पावर प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। इसके साथ ही बीते दिन राजभवन में फागु चौहान के सामने एनसीसी कोर्स के बारे में जानकारी भी दी गई। बिहार में अब तय सीमा से तेज गाड़ी चलाने पर लगेगा जुर्माना। सड़क दुर्घटना में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने अब अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत परिवहन विभाग ने हाल ही में कई आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल ज्यादा संख्या में सड़क दुर्घटना के मामले देखने को मिलते आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में NH की लंबाई 5000 किलोमीटर से अधिक बढ़ी है, वहीं SH और ग्रामीण सड़कें बेहतर हुई हैं और दुर्घटनाएं भी बढ़ी रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने पथ निर्माण विभाग के साथ सभी सड़कों की गति सीमा तय करने का निर्णय लिया है। इसके बाद जो भी व्यक्ति गति सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाएगा तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। असम का नेफा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1972 में केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश बना। भारत ने 2008 में इसराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिट में आज ही के दिन स्थापित किया था। आज ही के दिन त्रिपुरा मेघालय मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1959 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्ञानचंद्र घोष ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा। 1963 में हिंदी साहित्य के एक पत्रकार, उपन्यासकार, संपादक और कहानीकार शिव पूजन सहाय ने भी दुनिया को अलविदा कहा। वहीं आज के दिन बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का भी जन्म हुआ था। पटना एयरपोर्ट ने नया विंटर शेड्यूल किया जारी। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नया विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है। कोरोना के माहौल में अभी तक कुल मिलाकर 44 जोड़ी विमानों का परिचालन करवाया जा रहा था, हालांकि अब इसे बढ़ाकर 46 जोड़ी कर दिया गया है। पटना एयरपोर्ट से इंडिगो ने बीते दिन से चंडीगढ़ के लिए सीधी उड़ान फिर से शुरू की है, जो रोजाना सेवारत होगी। वहीं सूरत के लिए स्पाइस जेट भी गुरुवार से उड़ान भरेगी। ये विमान सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पटना से सूरत जाएगी। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पटना से मुख्य शहरों की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ाई जा रही है। पटना एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के सीधे विमान सेवा की शुरुआत होने से पंजाबियों को यात्रा करने में काफी राहत मिलेगी। 354वें प्रकाश पर्व पर मत्था टेकने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य वरिष्ठ नेता। पटना सिटी में बीते दिन गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व मनाया गया। इस मौके पर प्रकाश पर्व का हिस्सा बनने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फागु चौहान समेत कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। पर्व के पहले दिन बिहार के राज्यपाल फागु चौहान और सीएम नीतीश कुमार भी यहां पहुंचे और बाल लीला गुरुद्वार भी गए, जहां उन्होंने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बाबा
कश्मीर सिंह भूरी वाले बाबा के साथ घाट पर बैठकर प्रसाद भी चखा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद महाराज को सर्वश्रेष्ठ दानी भी बताया। टीकाकरण को लेकर IMA ने सरकार पर लगाया आरोप। कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया बिहार समेत पूरे देश में जारी है। वहीं कोरोना टीकाकरण को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसके तहत एसोसिएशन का यह कहना है कि कोरोना के टीकाकरण में सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मियों के बीच सरकार भेदभाव कर रही है। सरकार को अपने इस भेदभावपूर्ण रवैये को शीघ्र बदलने की जरूरत है। इसको लेकर IMA बिहार के पदाधिकारियों ने आपात बैठक भी बुलाई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह की अध्यक्षता में 5 सूत्री मांगों के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही IMA बिहार ने यह साफ कहा है कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना टीकाकरण सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मियों के बीच सरकार भेदभाव ना करे। पटना मेट्रो का ट्रैक बिछाने को लेकर टेंडर हुआ जारी। पटना वासियों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। वहीं अब पटना मेट्रो के ट्रैकों को बिछाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो के न्यू ISBT क्षेत्र में गेज ट्रैक बिछाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से गेज ट्रैक बिछाने और टेस्टिंग करने के साथ ही साथ ट्रैक को पूरी तरह चालू करने के लिए टेंडर जारी किया गया है, जिसमें लगभग 17.97 करोड़ की राशि का खर्च आने वाला है और इस काम को 2 साल में पूरा करना होगा। इसको लेकर 29 जनवरी को प्री बिड मीटिंग होगी और निविदा भरने की अंतिम तारीख 18 फरवरी को रखी गई है। आपको बता दें, अब तक कई प्रोजेक्ट के टेंडर का निष्पादन कर विभिन्न कंपनियों को काम का आवंटन किया जा चुका है। सारण, पटना, तिरहुत और मुंगेर प्रमंडल के नक्शे में होगा बदलाव। अंतर जिला भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया इन दिनों पटना, सारण, वैशाली और बेगूसराय के बीच जारी है। अंतर जिला भूमि हस्तांतरण का फायदा अब सिर्फ पटना जिला तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पटना जिले के लगभग 6000 एकड़ जमीन बेगूसराय जिले में जाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर पटना प्रमंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पटना, सारण, वैशाली और बेगूसराय जिलों की अंतर जिला भूमि हस्तांतरण में बेगूसराय जिले के कसहा दियारे से जुड़े पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के मोकामा अंचल के लगभग 6000 एकड़ जमीन को बेगूसराय जिले में शामिल किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत पैसा निकालने वाले 120 मुखिया और पार्षदों पर मामला हुआ दर्ज। बिहार में आए दिन सरकारी योजनाओं में धांधली की खबर सामने आ ही जाती है, चाहे बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल हो या फिर प्रधानमंत्री की आवास योजना। सब में काफी ज्यादा अनियमितता देखने को मिल जाती है। इसी क्रम में बीते दिन प्रधानमंत्री आवास योजना का अनैतिक लाभ उठाने वाले वार्ड के पार्षदों और सरकारी दफ्तर के सीनियर क्लर्क तक खुद को गरीब बताने में लगे हुए हैं। इसी को देखते हुए बिहार में सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरत मंदों तक क्यों नहीं पहुंच पाता, इसके कारणों का खुलासा एक RTI के जरिए हुआ है। मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लाभुकों के चयन में जमकर धांधली हो रही है, जिसके बाद कुल मिलाकर 120 मुखिया और पार्षदों पर मामला दर्ज किया गया है। स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में मशीनरी के सहज होने की कही गई बात। बिहार में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई जिलों में कायाकल्प को बदलने की तैयारी हो रही है। वहीं अब इस योजना के तहत खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा भी जारी किया गया है, जिसके तहत लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अब इसको लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उद्योग और निवेश के लिए अनुदान देने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। स्मार्ट सिटी को लेकर भी काम में तेजी आई है। सरकार ने बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को दे दी है। बिहार के ट्रैफिक व्यवस्था पर होगी पहले ट्रैफिक IG की नजर। MR नायक को बिहार का पहला ट्रैफिक IG नियुक्त किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, MR नायक रेल पुलिस में IG रहे थे और 1998 बैच के IPS पदाधिकारी रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में पहली बार ट्रैफिक IG पद के लिए प्रतिनियुक्ति का काम किया गया है। आपको यह भी बता दें कि CM की समीक्षा के बाद पुलिस एवं गृह विभाग कई स्तर पर व्यवस्था सुधार के लिए काम कर रहा है। इसमें ट्रैफिक IG राज्य के शहरों में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने का काम करेंगे। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों के लिए जूता मोजा रहेगा बैन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान कई नियमों का पालन करना होगा, जिसके तहत परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। छात्रों को समय से पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले ही एंट्री बंद हो जाएगी। कोविड-19 महामारी संक्रमण के बचाव के लिए एक बेंच से दूसरे बेंच के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाएगी। प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक के अनुपात में वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। एक कमरे में कम से कम 2 वीक्षक रहेंगे।
जदयू में बेहतर तरीके से काम करने वालों को कैबिनेट में मिलेगी जगह है। जदयू में बेहतर काम करने वाले विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने का मौका मिलने वाला है। इसको लेकर पार्टी ने इस बार कई मानकों पर भावी मंत्रियों के चेहरे के आंकलन का निर्णय ले लिया है। जानकारों की माने तो पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव सहित इस विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करने वाले चेहरों पर पार्टी भरोसा दिखा सकती है। फिलहाल इसको लेकर पार्टी में मंथन का दौर जारी है। इस पर जल्द से जल्द मुहर लगने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पटना डीएम ने फोन पर रौब में की बात। पटना में शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन देखने को मिला। बीते दिन शिक्षक अभ्यर्थियों पर गर्दनीबाग में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद बिहार में बवाल बढ़ गया। मंगलवार की रात से ही राजनीतिक दलों का सरकार पर निशाना साधने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। तेजस्वी यादव ने भी बीते दिन नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि बेरोजगारों पर लाठी चार्ज कर पुलिस बहादुर बनने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, मीडिया के सामने ही तेजस्वी यादव ने मुख्य सचिव को फ़ोन भी लगाया, जहां पर पटना डीएम ने फ़ोन पर नेता प्रतिपक्ष से बड़े ही रौब में बात की, जिसके बाद लगातार ये बातें सुर्खियाँ बटोर रही हैं। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, पृथ्वी शॉ बाहर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बाद अब भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज 5 फरवरी से शुरू होने वाली है। सीरीज के पहले दो टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया के टॉप 18 का ऐलान किया गया है। इसमें विराट कोहली और ईशांत शर्मा की वापसी हो रही है, उनके साथ ही हार्दिक पांड्या भी वापसी कर रहे हैं। हालांकि 18 सदस्यीय टीम में टी नटराजन और नवदीप सैनी को सम्मिलित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, पृथ्वी शॉ को बाहर कर दिया गया है। जानकारों की माने तो पृथ्वी शॉ एडिलेड टेस्ट में खेले गए मैच में खेलते देखे गए थे, मगर फ्लॉप साबित रहे थे और यही कारण है कि अगले टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुनील कुमार, श्वेता सिंह, असलम राज, प्रमोद कुमार, चेकमेट पुष्कर चौधरी, मयंक प्रसून, निर्भय यादव, अनिल कुमार, ललित कुमार, रोशन कुमार, प्रकाश कुमार वर्मा, सज्जन कुमार, गजेंद्र सिंह, पवन कुमार, अमन दीवाना। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके आसपास के लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिलता है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।